कोई प्रश्न है पत्रकारों के तो बता दीजिए। हेलो अरविंद जी, मेरा नाम गोपी है, मैं आज तक न्यूज चैनल से हूँ। मेरा सवाल आपसे यही है कि कल जिस तरीके से आपने इससे पहले आम आदमी पार्टी ने गुजरात के डीजीपी को एक खत लिखा था कि आपकी जान को खतरा है, आपको सुरक्षा मुहैया करवाई जाए, कल जिस तरीके से आप ऑटो में जा रहे थे, पुलिस आपको सुरक्षा दे रही थी और आप सामने सवाल कर रहे थे, क्या कहेंगे उसको लेकर? वो सुरक्षा कहाँ दे रहे थे, वो तो मुझे कह दी। आप एक चीज बताओ सर, आप चीफ मिनिस्टर हैं, मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए। क्या एक स्टेट की पुलिस ये कह सकती है कि मुख्यमंत्री को हम ऑटो में अगर वो जाएगा तो सुरक्षा नहीं दे सकते? मैं पंजाब में ऑटो में गया, मैं दिल्ली में ऑटो में जाता हूँ, वहां तो कभी किसी ने नहीं कहा कि आप ऑटो में जाएंगे तो हम आपको सुरक्षा नहीं दे सकते। एक मिनट बात पूरी सुनिए। उनका मकसद सुरक्षा देना या नहीं देना नहीं था, उनका मकसद था मुझे जनता के बीच में जाने से रोकना। जनता में तो केजरीवाल जाएगा, केजरीवाल तो जनता का आदमी है, केजरीवाल तो जनता में जाएगा, और इस दुनिया में किसी की हिम्मत नहीं है जो केजरीवाल को जनता से काट सके। तो तर्क वितर्क मत कीजिए, आप उनकी मंशा समझने की कोशिश कीजिए। उसके बाद मैं गया ना, सिक्योरिटी दी ना उन्होंने, नंगे हो गए ना। नेक्स्ट सर, एक दूसरा सवाल ये भी है कि कांग्रेस के नेता है अजय कुमार, उन्होंने ये आरोप लगाया है कि चंडीगढ़ के अंदर आप लोगों के पास तनख्वाह देने के लिए पैसे नहीं है, लेकिन एडवर्टाइजिंग के पीछे आप लोगों ने करोड़ों रुपए, जो चंडीगढ़ की सरकार है, पंजाब की सरकार है, उसने करोड़ों रुपए गुजरात के अंदर इन्वेस्ट किए। किसने पूछा है सवाल? ये कांग्रेस के नेता अजय कुमार जो है उन्होंने आरोप लगाया है। कांग्रेस खत्म हो गई है, उनके प्रश्नों को लेना बंद कर दीजिए, अब उनके प्रश्नों के बारे में चिंता मत कीजिए। जनता साथ है, जनता के मन में कोई प्रश्न है? कोई प्रश्न नहीं है, जनता सब खुश है। टीवी नाइन से जिग्नेश पटेल, मेरा सवाल है कि कल जिस प्रकार से आपने रिक्शा में जाके ऑटो वाले के घर पे खाना खाया, मगर वो जो विस्तार था वो सीएम का तो था ही, मगर साथ में अमित शाह का भी था, क्या पहले से प्लान किया हुआ था कि वही जगह पे जाना जो भाजपा का गढ़ गिना जाता है? कुछ प्लान था? कोई प्लानिंग नहीं थी, पर मुझे लगता है कि उन नेताओं को भी जाना चाहिए वहां पे। जब मैंने कल रात के वापस आने के बाद मैं सोशल मीडिया पे कुछ वीडियोस देख रहा था, तो वहां जनता इतनी खुश थी मुझे देख के, इतनी खुश थी अपने बीच में देख के। तो लोगों उनसे पूछा, पत्रकारों ने, आप ही लोगों ने पूछा कि क्या बात है, इतने खुश क्यों? बोले पहली बार 30 साल में 40 साल में कोई नेता हमारी बस्ती में आया है, तो उसने, पत्रकार ने पूछा भाई कभी चुनाव में तो वोट मांगने आते हैं? कहते चुनाव में वोट मांगने भी नहीं आते। आप सोचिए।